हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी सीमा अपनी यूट्यूब चैनल सीमा कुकरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करने नहीं आई हूँ, बल्कि अपने पिछले 30 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। मुझे मालूम है आप सबको बहुत जानकारी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हमें जानकारी तो पूरी होती है लेकिन हम लोग गलती कर जाते हैं, तो वही गलती मैंने भी की। हमारे परिवार के एक सदस्य को हल्का सा बुखार हुआ और उसे मैंने आम बुखार माना, और जब तक मुझे समझ आया तो तब मैं भी उसकी गिरफ्त में आ गई थी, और फिर हमने टेस्ट कराया और मेरा कोरोना जो है पॉजिटिव आया। उस समय मुझे सबसे पेनफुल जो लग रहा था वो यही था कि मुझे अपने परिवार से दूर अकेले कमरे में रहना पड़ेगा। ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ऑनलाइन डॉक्टर से संपर्क किया, मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। 30 दिन के बाद फिर से मेरा टेस्ट हुआ और मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई, और मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आपसे यही कहूँगी कि कोरोना को प्लीज़ हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यहाँ मेरा मकसद आपको डराना नहीं है और ना ही ये कहना है कि आप डरिए या डराइए, लेकिन इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि कोरोना क्या है, एक आम सर्दी जुकाम ही तो है। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगी कि आप ये शुक्र मनाइए भगवान का कि आप अभी तक सुरक्षित हैं, क्योंकि जिनको हो गया है या जिनके घर वीरान हो गए हैं वही जानते हैं कि कोरोना क्या है। तो अगर आपके परिवार में किसी को भी हल्का खांसी जुकाम सर्दी है तो उसको पहले दिन से ही कोरोना समझ के चलिए, उसे मास्क लगाइए, क्वारंटाइन कर दीजिए और डॉक्टर से संपर्क करिए तुरंत। और अंत में मैं आपसे एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूँगी कि जो उस समय आपको फ़ोन करके जो लोग हालचाल पूछते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जाने अनजाने में वो लोग हालचाल तो पूछते हैं लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है या वो इस बीमारी से चला गया, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप ऐसी बातें मत कीजिए, क्योंकि जो बेड पर पड़ा है अकेले कमरे में उस समय उसका मनोबल बढ़ाइए, उसको बस ये चार शब्द बोलिए आप जल्दी से अच्छे हो जाएंगे, उसे मोटिवेट कीजिए, क्योंकि जो ये शब्द है ना आपको पता नहीं है उस समय उस जो मरीज को बेड पर जो अकेला पड़ा उसको कितनी ताकत देते हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि अब आप मेरा परिवार बन चुके हैं, इसलिए मैं यही कहूँगी कि अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने की सबसे जो बड़ी मूल मंत्र है वो है खुश रहना। अपने परिवार के साथ खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, और मेरी आने वाली यूनिक और हेल्दी रेसिपीज को एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।